Which question is going on? बोलिए बेटा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? विच क्वेश्चन इज गोइंग ऑन? चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं बेटा। पहले डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं डॉट प्रोडक्ट के। ओके, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने सेंड भी किए हैं आपको, क्या आपने सॉल्व कर लिया बेटा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने सेंड किए हैं आपको? वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। लिखिए, प्रूव दैट द थ्री वेक्टर्स, प्रूव दैट द थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, देन वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस फोर के कैप। हमें प्रूव करना है आर एट राइट एंगल टू वन अनदर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी और सी वेक्टर हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो बताइए, डायरेक्ट बता दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए बेटा। सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या प्रूव करेंगे? जीरो। उसके बाद वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू हम क्या प्रूव करेंगे? जीरो। और उसके बाद वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का हम क्या प्रूव कर देंगे? जीरो। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब दो वेक्टर दे रखे हैं उनको ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम ए डॉट बी की वैल्यू क्या प्रूव करेंगे? जीरो। इज दैट क्लियर? इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है बेटा, गिवन इफ वेक्टर ए गिवन है आपको 5 आई कैप माइनस जे कैप, ये इंपॉर्टेंट डिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और वो बच्चे ध्यान से सुन ले, जो बच्चे क्लास मिस करते हैं ना, एक दिन आते हैं फिर नहीं आते, जो ऐसे ही क्लास कर रहे हैं, सीरियस हो जाओ बेटा, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब कुछ दिन के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देता भी हूं, तो इस तरह आपका धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा और उसके साथ अच्छा से रिवीजन भी हो जाएगा। तो डोंट मिस द क्लास, क्लास मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी, क्लियर ना। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है,
वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक तो ये वेक्टर आपके लिए है मुझे, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस वेक्टर को फाइंड करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा मुझे, उसका नाम कुछ भी दे देना, या इसको ही मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसके बाद दोनों वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद हमें एक वेक्टर मिलेगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सपोज दैट इसको मैं मान रहा हूं वेक्टर ए, इसको मैं मान रहा हूं वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर ना, ये बात समझ आ रही है। बताइए बेटा ये बातें आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझ आ रही है आपको, इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, एक वेक्टर गिवन है वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर सी गिवन 3i कैप प्लस j कैप सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। बताइए वर्किंग रूल बताइए क्या करेंगे, हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। बताइए बेटा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यस बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम इस वेक्टर को फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो वेक्टर बी है ना इसमें हम लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा वेक्टर बी इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस टू लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये मिल गया। उसके बाद में इसमें ए ऐड कर दूंगा, ए ऐड करने से क्या मिलेगा देखो ध्यान से, जब मैं इसमें ये ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू, तो ओनली जो स्केलर कंपोनेंट हम कम करेंगे टू माइनस लैम्डा आई कैप फिर टू प्लस टू लैम्डा जे कैप, उसके बाद थ्री प्लस लैम्डा के कैप, ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। उसके बाद सी वेक्टर है आपका, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट विद सी जीरो के बराबर आना चाहिए। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई किसमें करूंगा मैं, सी वेक्टर ये रहा, इसको के नहीं है तो जीरो इंटू के वेक्टर आप के कैप लिख सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू टू माइनस लैम्डा प्लस वन इंटू टू प्लस टू लैम्डा फिर जीरो इंटू लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, थ्री टू जा सिक्स, ये आ जाएगा आपका सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू प्लस
टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा एट माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो एट इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट। ये आपका सोल्यूशन। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। क्लियर है ये?